हमारा ऑफिस का ओपनिंग भी था, नबी सलाम का, वसीम साहब है हमारे साथ, पार्टी के गुजरात प्रेसिडेंट साबित कामली वाला साहब है, काका हाथ नीचे ओपनिंग किया है सूरत की, आपके साथ बात कर रहा हूँ। अभी शाम को हमारा एक जलसा है, मैं गुजारिश करूँगा आपसे, आप सब जलसे में आइए, हम अपनी बात रखेंगे पब्लिक के सामने। वर्ष भाई, एमआईएम जो गुजरात में आई है, सब सीटों पे अपने उम्मीदवार चुने उतार रही है, कुछ चुनिंदा सीटों पर ही अपने कैंडिडेट उतार रही है, उसकी क्या वजह? देखिए, ये तो डिसाइड करती है पार्टी और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है साबिर कामलीवाला साहब, जहाँ जहाँ हमको लग रहा है कि लड़ने जैसा है तो डिसाइड करके वहाँ लड़ते हैं, सीटों पर लड़ेंगे, कहाँ कहाँ से लड़ेंगे ये सब आपके सामने पेश कर दिया जाएगा एक बार इलेक्शन की डेट टू डिक्लेयर हो जाए। फिलहाल तो जो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट सब ओबीसी साहब ने डिक्लेयर करके गए थे वो कैंडिडेट्स हैं, और एक दो कैंडिडेट के नाम आपको दिए जाएंगे, उसको फेज वाइज कैंडिडेट्स सामने आएंगे आपके। इस चुनाव में एक पार्टी दूसरे पार्टी को बी टीम बता रही है और ये हर बार अक्सर होता रहा है, बी टीम किसकी कौन है? ये मैं आपको जवाब दूंगा, थोड़ा एलोबरेट करके बताऊँ। यहाँ भाजपा 27 साल से है, हम लोग नहीं लड़े 27 साल, हम लड़े थे पहली मरतबा गुजरात में चुनाव लास्ट कॉरपोरेशन का, सूरत से हम नहीं लड़े, हम दिन कम थे, 40 दिन के अंदर हम लोग ने तकरीबन 38 कैंडिडेटों को मुख्तलिफ जगह से ठहराया जिसमें 23 कैंडिडेट जीत गया, इसमें हमारे 6 के करीब नॉन मुस्लिम हिंदू भाई बहन भी जीते। सूरत से हम नहीं लड़ सके, वक्त कम था, फिर भी सूरत में बीजेपी क्यों जीती? या तो कांग्रेस था, आम आदमी पार्टी था। तो ये साफ बात आपके सवाल का जवाब है कि बी टीम कौन है, और हमको जो इल्जाम लगाते हैं उसका भी पूरा पब्लिक के सामने आ गया कि कोई इल्जाम नहीं है, जहां नहीं लड़ते वहां भी बीजेपी जीत जाती है, इन लोगों में ताकत नहीं है बीजेपी को हराने की, इल्जाम हमारे सर पे मंडला जाता है कि आपकी वजह से, लेकिन सब आप देख रहे हो, पूरा गुजरात देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि कौन किसकी बीजेपी की बी टीम है, और तो बयानों से भी पता चल रहा है आपको, आप सब समझदार हैं, हम लोग को भी पता चल रहा है कि कौन बराबर से बी टीम का काम निभा रहा है बीजेपी का। तो खैर, मैं तो वो नहीं बोलता कोई बी टीम है सिटी में, हर इंसान को डेमोक्रेसी में संविधान ने अधिकार दिया है कि आप चुनाव लड़िए, हर पॉलिटिकल पार्टी, हम भी एक मंशा से आए हैं कि हमको भी चुनाव लड़ना है, गुजरात के अंदर सूरत में भी लड़ेंगे, और वसीम साहब तो है कैंडिडेट यहाँ के, इनको असद साहब ने घोषित किया है, इतनी मरतबा जब आए थे तो सूरत इससे वसीम कुरैशी साहब लड़ेंगे चुनाव, और मुख्तलिफ जगहों से लड़ेंगे, और सूरत में मेरे को यकीन है और उम्मीद है कि लोग हमको असद ओवैसी साहब की क़यादत को कबूल करेंगे और अपनी दुआओं से मोहब्बत से नवाजेंगे और हमको सूरत में कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। अक्सर जब चुनाव आते हैं तभी तो हिंदू मुस्लिम की बात होती है, आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यूपी के शौकत अली साहब ने हिंदू समाज को लेकर, हिंदुत्व को लेकर काफी टिप्पणी की है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शौकत साहब ने जो कहा उसके बारे में उन्होंने वेरिफिकेशन भी दिया है, उन्होंने कहा कि मैं किसी धर्म के खिलाफ मैंने कुछ नहीं बोला, मैं एक व्यक्ति विशेष की बात का जवाब दिया है कि उसने ऐसा कहा था, तो मैंने उस व्यक्ति को जवाब दिया। अब उस जवाब के लिए पुलिस ने एफआईआर भी रजिस्टर किया है, अब जो भी कानूनी प्रतिक्रिया होगी वो फॉलो करेंगे, कानून का पालन करते हुए काम करेंगे, पर मैं किसी को सपोर्ट किए बिना या किसी की किए बिना आपसे सवाल करता हूँ, जैसा आपने हिंदू मुसलमान की बात की उस पर जवाब दे रहा हूँ। दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के घर से 20 मिनट के डिस्टेंस में भाजपा का सांसद प्रवेश वर्मा खड़े होकर खुले मंच से सबको कहता है कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करना। अब जिस संविधान की शपथ लेकर वो सांसद बने, वहां से खड़े रह के वो आवाज लगाते हैं जो असंवैधानिक है, पूरा उल्लंघन है संविधान का, वहां से आवाज लगाते हैं कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए, कौन कौन मेरे साथ है, सब लोग हाथ उठा दो। अब उस सांसद के खिलाफ दिल्ली पुलिस अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, कोई एफआईआर नहीं किया, ऐसा क्यों? संविधान इक्वल है कि हमारे खिलाफ आपने किया एफआईआर करिए, जो कोर्ट का फैसला होगा, कानून का फैसला होगा, हम सब मानेंगे, लेकिन वहां पर एफआईआर क्या? वहीं पर विश्व हिंदू परिषद का दूसरा स्टेज लगता है, वहां से अनाउंस करता है
कि मुसलमानों को चुन चुन कर मारा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई FIR नहीं। तो ये दर्शाता है ना कि संविधान तो बोलता है कि इक्वालिटी, आप में बराबर, तो फिर एक के खिलाफ तो आप FIR करते हो और दूसरे को आप खुली हवा में छोड़ देते हो। तो यही बोल रहे हैं ना हम लोग इतने टाइम से कि जो भाजपा वाले इन्होंने एक खुली तरह से मुसलमानों के प्रति जंग जैसा ऐलान किया, हर हिसाब से लाउड स्पीकर से शुरू किया, अजान पे आए, हमारे मदरसों पे आए, नमाज कोई पढ़ रहा था मॉल के पास रस्ते का उसको अरेस्ट कर लिया, हिजाब तो चल ही रहा, ज्ञान वापी चल रहा, आपको पता है। तो हर रिच से भाजपा पोलराइज करने की पूरी कोशिश कर रही है चुनाव को, और उनका तो जो 2 से लेकर 360 तक पहुंच गए, ये करते करते आके गाय, मंदिर, मस्जिद, दंगा, उसके सिवा काम की क्या बात करते, हेल्थ पे क्या बात करते। अगर आप आज उनको सवाल करो बढ़ती हुई महंगाई पे, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट जो इतना बढ़ गया, GDP पे, डॉलर के बनिस्बत रुपया जो इतना आगे बढ़ चुका है, 82.35 चला गया, 100 भी क्रॉस कर देगा, आप ये सवालों के लिए भाजपा जो सत्ता में उससे सवाल करो ये सारी चीजें, इसका क्या जवाब है आपके पास? चीता से फंस भाग जाएंगे वो, जवाब नहीं है। अब जब लोग जवाब करते हैं, हम लोग जवाब मांगते, सवाल का सवाल है जवाब दो, सारी चीज का ध्यान भटकाने के लिए भाजपा अपने असली धंधे पे आ जाते हैं, हिजाब पे आ गए, ज्ञान वापी चल रहा है, इस तरह की भाषणबाजियां होंगी। धर्म सांसद में इस कितनी भाषण के धर्म सांसद में तो क्या क्या बोल गया था बच्चों को, धर्म सांसद लगता है क्यों, ताकि आप उसको गीता का पाठ पढ़ो, मगर वहां पर खड़े होके भाषण दिया जाता है, बच्चों को बोला जाता है बेटा कलम कागज छोड़ दे, तलवार उठा, मुसलमानों का नरसंहार कर, कॉल फॉर मुस्लिम जेनोसाइड दिया जाता है और उनके खिलाफ कार्रवाई का हो। अगर किसी को समझो भूले चुके, अगर अरेस्ट भी कर लिया तो एक दिन में जमानत पे आ जाए। तो हम तो यही चाहते हैं ना, कायदे कानून का पालन करना सब अधिकार सबको करना चाहिए, रूल ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए, मगर सबके लिए बराबर कानून, इक्वालिटी। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल यहाँ जो गारंटी कार्ड दे रहे हैं, आपकी पार्टी के लिए लोग की वोट करें और उनका जो ये गारंटी कार्ड है उसको आप किस नजर से देखते हैं? गारंटी तो उन्होंने दिल्ली के अंदर दिया था बत्ती की, सबको फ्री में देंगे, मगर अभी आपने देखा नया उन्होंने फॉर्म निकाल दिया कि जिसको चाहिए फ्री फॉर्म भरो। गारंटी किस चीज से दे सकते हैं? आपको हमको पता नहीं कल क्या होने वाला है, आप हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे मालूम नहीं, तो गारंटी का तो ऊपर होने के हाथ में, लेकिन हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं। मजलिस का काम ही उसकी पहचान है, हमारे पास एजेंडा है कि हमको सूरत के लिए क्या करना है, हमको गुजरात में मुख्तलिफ जगहों पे क्या क्या करना है, हमारी भी टीम ने सर्वे किया है कि किस जगह पे किस काम की ज्यादा जरूरत है, हमको पता है। तो हम यही एजेंडा लेके पब्लिक के सामने जा रहे हैं कि अगर पब्लिक हमको मोहब्बत से नवाज देगी, वोट देगी, तो क्यों हम उनको बता रहे हम ये करने वाले। आज मुझे बताइए सूरत के अंदर कौन सी ऐसी उर्दू स्कूल है जो 8वीं क्लास से ऊपर जाती है? एक भी नहीं, 8वीं तक सिर्फ स्कूल है। उर्दू की तालीम लेने का क्या अधिकार नहीं है? उर्दू सिर्फ मुसलमानों की लैंग्वेज नहीं है, हर आदमी उर्दू के अंदर, उर्दू के अंदर बड़े बड़े शेर व शायर निकले जो नॉन मुस्लिम थे, 8वीं तक है। सूरत शहर में मुझे बताओ कौन सा बड़ा हॉस्पिटल बनाया है लोगों ने 27 साल से, एक दो साल नहीं। और ब्यूटी ये बात की है कि 27 साल से भाजपा सरकार में, उसके पहले 30 साल से ज्यादा कांग्रेस सरकार में सत्ता में थी, दोनों ने क्या किया सूरत के लिए, गुजरात के। तो हम चाहते हैं कि जब आपने के सामने बात कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा भरोसा रखिए उन पे, एक बार अपनी मोहब्बत से बहुत से वोट से नवाजिए, एक बार तब हमको भी चांस दीजिए, हमारा तो अधिकार है ना, हर इंसान को आपने टेस्ट किया, एक मरतबा असद ओवैसी साहब को मौका दीजिए, देखिए आप खुद आप देखेंगे कि किस तरह से गुजरात के अंदर विकास हो, किस तरह से गुजरात के लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका दे। सर आपकी पार्टी सूरत में या गुजरात में चुनाव लड़ेगी तो ऐसा कहा जाता है कि ये कांग्रेस का वोट काटेगी, मीन्स वोट कटाव पार्टी के तौर पर आज की तारीख में उनको देखा जाए, क्या आप मानते हो उसको? 27 साल से बीजेपी सत्ता में है, हम नहीं लड़े चुनाव, मैं पूरे इंडिया की बात नहीं करता, मैं गुजरात पे आ गया हूँ, उसके पहले 30 साल कांग्रेस पार्टी थी। ये 27 साल हम नहीं लड़े तो क्यों बीजेपी जीती? हम सूरत के अंदर जब कॉरपोरेशन चुनाव आया वो भी नहीं लड़े, क्यों बीजेपी जीती?
किसने किसका वोट काटा है तो सब देख रहे। अब मुझे मेरी जानकारी से पता चला है अभी कि जो माइनॉरिटी के कुछ कॉर्पोरेटर थे यहाँ पर मुस्लिम, वो भी हार गए। इसकी वजह से हारे, हम नहीं लड़े ना, आम आदमी पार्टी लड़ी। इनमें ताकत नहीं है, कांग्रेस में ताकत नहीं है बीजेपी को हराने की, सब हम पे लगाया जा रहा है। मगर मैं अब आपको एग्जाम्पल देता हूँ, 2019 का चुनाव आया पार्लियामेंट का मजलिस, हमारी जो पार्टी है वाइम तीन जगह पे पूरे हिंदुस्तान में लड़ी। हैदराबाद से असद ओवैसी साहब लड़े, बिहार से अख्तर ईमान साहब लड़े और औरंगाबाद से हमारे इंदिरा चरित साहब तीन जगहों पे लड़े और हम दो जगह पे कामयाब हुए, हैदराबाद औरंगाबाद। औरंगाबाद में हमने उसको हराया जो 25 साल से वहां पर सिटिंग एमपी था, जो सेना और भाजपा का कैंडिडेट था। हम में हराने की ताकत है, श्रम है। और हमको यकीन है कि जिस तरह कॉरपोरेशन के चुनाव में 40 दिन के वक्फे में हमको लोगों ने, गुजरात की आवाम ने मोहब्बत से नवाज और हमारे 26 कॉरपोरेटरों को जिताया, इसी तरह आज लोग चाहते हैं कि असद ओवैसी आज उनकी आवाज है। आज अगर देखो आप मजलूमों की, दलितों की, मुसलमानों की, पिछड़ा हुआ वर्ग की, पूरे देश के अंदर की बात कर रहा हूं, अगर कोई इनकी तरफ से लड़ता और कोई आवाज है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, तो क्यों उसका साथ नहीं देंगे? चांस देके देखो एक बार, इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप हम पे भरोसा करोगे तो आपको निराशा नहीं। ये मुद्दा लेके हम चाहे सर, एक मुद्दा ऐसा है कि जब भी हिंदू मुसलमानों की बात आती है ना, आक्षेप प्रति आक्षेप वो हिंदू मुसलमान पे करता है, मुसलमान हिंदू पे करता है, तो क्या जो जो भी करते हैं क्या वो आप सही मानते हो उसको कि गलत है? ये जब से मैंने होश संभाला है साहब, आप मेरे से सीनियर, मैंने इतनी नफरत की राजनीति पूरे देश में कभी नहीं। ये भाजपा ने इतना नफरत फैला दिया है मुसलमानों के प्रति, हर चीज। अरे अब तक तो हिंदू मुसलमानों को बांटा, अब तो रोटी पराठे को भी बांट दिया, पराठे पे जीएसटी लगा दिया, रोटी को अलग कर दिया। तो इनकी राजनीति हिंदू मुसलमान करके पोलराइजेशन जो होती है, डिविजिव पॉलिटिक्स करना, मुसलमानों को डराना, धमकाना, बेइज्जत करना, इसके सिवा इनके पास कोई मुद्दे नहीं बचा और मेन मुद्दों से ध्यान बटा रहा है। लेकिन जनता समझदार, देश की जनता चाहती है विकास। देश की जनता को इतने सालों से आपने देखा है, अब पूछो ना लोगों को 27 साल में आपको क्या मिला, आपको जवाब मिलेगा। और हम चाहते हैं एक मौका हमको, देखो हम काम करें, काम करने का मौका तो देना चाहिए ना इंसान। ये मुद्दा ये पूर्व की सीट है, वहाँ पर मुसलमानों का प्रभुत्व ज्यादा माना जाता है, पहले से ही कई पार्टी के बहुत से मुसलमान नेता है और नेताओं के भी नेता है। इस बीच आप आएंगे तो क्या लगता है वोट बटेंगे? नहीं, 40% मुस्लिम है वो सीट। ये देखिए, हमको मुसलमानों को भी टिकट दे रहे हैं, दलित भाई बहनों को भी टिकट दे रहे हैं और तमाम वर्ग के लोगों को टिकट दे रहे हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी पता है, कॉर्पोरेशन का चुनाव अभी सवा साल हुआ है, उसमें हमने जो हमारे नॉन मुस्लिम्स को टिकट दिया था, भाई बहनों को, तकरीबन 10-11 को दिया था, इसमें 7 को जीत गया है। तो हमको दलित भी वोट देगा, हमारा गुजराती भाई भी वोट देगा, मारवाड़ी भाई भी वोट देगा, हर इंसान वोट देगा। क्योंकि जो चाहता है कि असद ओवैसी साहब हक बयान ही करते, सांसद संविधान के दायरे में अपनी बात रखते और अपना काम दिखाते। आज आप चलिए हैदराबाद में देखिए हमारा काम, हॉस्पिटल स्कूल कहीं नहीं दिखेगा आपको हिंदुस्तान में। एक विजन है पार्टी का कि हमको हर तरफ इस तरह की सुविधाएं देना है लोगों को, वो विजन लेके आए हैं यहाँ पर। मुझे यकीन है पब्लिक हमको मोहब्बत से नवाजेगी।